आया था उसमें जो हत्या, लूट, डकैती, शराब के केस है और विभिन्न प्रकार के जो जिनका गुंडा पंजी में नाम अंकित है उन लोगों को बुलाकर उन लोगों से पूछताछ किया गया था। साइड में होकर साइड में कौन चोरी किया था? साइड में मैडम है ना देखी लोग हम थोड़े वायरल वीडियो वायरल होगा तो रहेगा तब ना होगा जी। वीडियो वायरल कर सकता है रात को 6 बजे शाम तक लीजिएगा तब ना वीडियो वायरल होगा ना। हमारा हथियार हाथ में हथियार रहेगा तो कैसे वीडियो कोई बना लेगा? रहेगा तब ना होगा। चौड़ा ले लीजिए चौड़ा छोड़ा दारू में क्या नाम है? अरे सर बहुत मास्टर माइंड है सर। क्या नाम है? वही है हाले कब आए थे? काम करिए रहा करिए नाम भी पूछिए साथ में। क्या नाम है आपका? कलिंदर सर। कलिंदर सर आप बेचने में ना अभी बेच रहा है? आप ना बेच रहा है मत बेचो ना तो फिर दारू में अभी तो जा रहा जेल है कहीं तो पी खा के मर गए तो फिर दारू में। क्या नाम है? क्या नाम है तो दूसरा क्या तू अच्छा कटा यार क्या कहता था मेहनत करो अच्छा से क्या दिक्कत है पिछले महीने कितना कमा ले तो घर आएगा सब फिर निकल ही जाएगा क्या है नाम क्या है? अरे राम तिलु। अरे ये तो गमछे में बांध के टांग के चल देता है ना। आप बोलता तू बुला के चलता है बेटा। अच्छा तुम बताओ कौन हमारा घर का क्या घर हुआ? फिर का फिर अभी फिर का तुम बताओ गुंडा बन गया अभी सब बुढ़ारी में जाएगा तब पेपर में सब घर में कितना कमा ले तो से बता दो सर। देखिए हम तो कमा ले नहीं थी गाड़ी में लेके आओ था नहीं पकड़ा एक्शन पकड़ा एजन तो नाम का तो नाम हां नाम तो नाम सबसे कम का तू लोग था
नरेंद्र कुमार अमित कौन नाम है कहाँ घर हुआ नागपुर दारू बेच रहा है मजदूरी दारू अभी भी बेच रहा है नहीं साहब नहीं के डेरा थाना के पीछे वाला नहीं साहब मजदूरी कर रहे हैं सबको गोड़ तोड़ दी अब बढ़िया से जिंदगी जियो काहे खातिर बुलाए बदनामी होगा आज लिस्ट बनेगा यहाँ लिखाएगा लोग आएगा तो पढ़ेगा खलनवा गुंडा है एगो लिखवा दीजिए सबको अथी लिखा में लिखवाए है ना कि लोग आएगा तो जानेगा ना कौन कौन कैसा है ऐसा हूँ बदनामी होगा गाँव घर में आएगा देखेगा अरे बढ़िया गुंडा में नाम लिखा गया अच्छा है गुंडा परेड कराया गया है राजपुर थाना में पर्पस क्या है उसका पर्पस है कि अभी जो पर्व त्योहार का समय आ रहा है और कुछ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार राजपुर थाना में आज गुंडा परेड का आयोजन किया गया था उसमें जो हत्या लूट डकैती शराब के केस है और विभिन्न प्रकार के जो जिनका गुंडा पंजी में नाम अंकित है उन लोगों को बुलाकर उन लोगों से पूछताछ किया गया था और उन लोगों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग भाई अच्छा आचरण करें कोई ऐसा नहीं काम करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या हो और उन लोगों को ये भी हम लोग उन लोग आश्वस्त किए थे और उन लोगों से हम लोग बोले थे कि अगर कोई गलत काम करता है कोई अपराधी कार्य करता है कुछ उसका भी सूचना दो दीजिए आप लोग और जो अच्छा काम करेंगे उसको हम लोग उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उसको सुधारने का मौका भी मिलेगा।